आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट गुड़ की डली, हर सुबह एक मीठी बात। नमस्कार, मैं हूं शिवानी अग्निहोत्री और आज की मीठी बात जुड़ी है फसल बीमा योजना से। अक्सर किसानों को कई तरह की समस्याएं होती हैं, ऐसे में कई बार उनके सामने कोई मदद नहीं होती। इस मामले पर जब लोकसभा में बात हुई तो आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे लेकर कई बड़े ऐलान कर दिए। इन ऐलानों के बाद अब ये उम्मीद है कि किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ लेने से जुड़ी समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा। कृषि मंत्री ने आज लोकसभा में कहा कि प्राकृतिक आपदा में फसल बर्बाद होने पर तो किसानों को फसल बीमा का लाभ मिलता ही है, लेकिन अगर फसल में आग लग जाती है तो भी किसानों को मुआवजा मिलेगा। इतना ही नहीं, लोकसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां तक कहा कि किसानों के बीमा का भुगतान करने में देरी करने वाली इंश्योरेंस कंपनी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो बीमा कंपनी किसानों के फसल बीमा क्लेम का मुआवजा देने में देरी करेगी उस पर 12% की पेनल्टी लगाई जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, कृषि मंत्री ने ये भी कहा कि क्लेम पाने में देरी होने पर कंपनी पर 12% पेनल्टी लगाकर किसानों के खाते में पैसे डाले जाएंगे और ये सभी ऐलान इसी खरीफ सीजन से लागू भी हो जाएंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में बटाई पर खेती करने वाले किसानों के लिए भी बेहद जरूरी और अहम ऐलान किए। उन्होंने कहा कि बटाई पर खेती करने वाले बटाईदार किसानों को भी नुकसान की भरपाई पीएम फसल बीमा योजना के जरिए की जाएगी। फसल बीमा में किसानों के लिए एक बेहद अहम योजना है। आज लोकसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना का लाभ लेने वाले किसानों के आंकड़े भी बताए। उन्होंने कहा कि पीएम किसान फसल बीमा योजना के आवेदन पहले 3.1 करोड़ आते थे, लेकिन अब 8.69 करोड़ आवेदन आए हैं। यानी फसल बीमा योजना का लाभ लेने वाले किसानों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। अब अगर आज कृषि मंत्री के ऐलान भविष्य में पूरी तरह से लागू होते हैं तो ये किसानों के लिए एक बेहद अच्छी खबर है। हालांकि कृषि मंत्री ने ये भी कहा कि किसानों की इच्छा है कि वो अपनी फसल का बीमा करवाएं या ना करवाएं। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही अच्छी और राहत भरी खबरों के लिए सुनते रहिए हमारा ये खास पॉडकास्ट गुड की डली।